अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? यकीनन आप ठीक होंगे। आपकी दुर्दाना रहमान आज आपसे फिर कुछ बातें करने आई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हर रोज़ आपको अपनी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई किस्सा, कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। और आज फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा चले मैं अपने दोस्तों से कुछ बातें कर लूँ। आप ये देखें कि ये फूल देख रहे हैं आप, फ्लावर, ये फ्लावर ऐसे हैं जैसे एक फनकार जो होता है ना, वो भी एक फूल होता है। जैसे इन फूलों को हम पानी देते हैं, इसकी केयर करते हैं, इसको खूबसूरती से रखते हैं, इसी तरह फनकार की भी एक ऐसी लाइफ है जिनको फूलों की तरह रखा जाता है, प्यार किया जाता है और उन्हें मोहब्बत से पेश आया जाता है। जैसे आप लोग हमें प्यार करते हैं तो हम लोग फ्रेश रहते हैं, खिले रहते हैं और अच्छा लगता है कि जब कोई आप कमेंट्स करते हैं और आप कोई हमारी फिल्म देखें या कोई हमारा प्ले देखें तो फिर आप हमें बताते हैं जी आप फलां फिल्म में बहुत अच्छी लग रही थी, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट की हौसला अफजाई होती थी कि वो कोशिश करता था कि मैं इससे भी अच्छा काम करूं। तो आज की बात ये है कि दोस्तों, अभी ये मैं आपको जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये मैं अपनी जाती अपने बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पसंद करेंगे तो फिर मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे काम करता है, कैसे वो हिट होता है, फिर कैसे वो फ्लॉप होता है, फिर कैसे वो डिसार्ड होता है। और जो मतलब अपने आप को ये समझ लेते हैं कि आर्टिस्ट की एक लाइफ है, वो लाइफ तक अगर वो अपने आप को आर्टिस्ट समझ के काम करते हैं तो मेरा ख्याल वो ठीक रहते हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने जब तक काम किया बहुत अच्छा काम किया, हमेशा काम करती रही, आज तक भी मैं माशाल्लाह आपको नज़र आ रही हूँ। तो मैंने कभी अपने ऊपर काम को हैवी नहीं किया कि जी ये काम नहीं है या हम फनकार हैं, हम किसी के सामने नहीं जा सकते। तो आर्टिस्ट को चाहिए कि वो हमेशा जिंदा दिल रहे और सबसे मोहब्बत करे, सबसे प्यार करे। जितनी उसकी ऑडियंस ज़्यादा होगी उतना वो कामयाब होगा। तो आज बात हो रही थी कि अपने फ़न के बारे में मैं बात कर रही थी, अभी तो मैं आपको सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सारी बातें कर रही हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये मेरी वीडियो शेयर होती जाएगी, लोग पसंद करते जाएंगे, फिर मैं इंशाल्लाह ताला अपने साथ दूसरे फ़नकारों को भी आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। कभी किसी आर्टिस्ट के घर जाके उसका इंटरव्यू करूँगी, कभी अपने घर बुलाऊँगी और फिर अपनी लाइफ, अपनी जो मेरी अपनी फैमिली है उनका इंट्रोडक्शन होगा, जो मेरे बच्चे हैं उनका इंट्रोडक्शन होगा। तो आपके सामने मेरी पूरी हिस्ट्री आएगी और इंशाल्लाह ताला आप बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में हकीकत पसंद होना चाहिए। और मैं आपके साथ जितनी बातें करूँगी उसमें तकरीबन तकरीबन वो हकीकत की बातें होंगी। और मैंने कैसे स्टार्ट किया, कितने मैंने ज़िंदगी में काम किए, शो बिज़नेस के हट के मेरी लाइफ क्या है, और शो बिज़नेस के साथ साथ मैंने साइड बिज़नेस बहुत किए। मतलब मैंने कोशिश की कि मैं ज़िंदगी में कोई ना कोई काम करती रहूं, मतलब कि इंसान बंदा फ्रेश रहता है काम करने से, वैसे बंदा बड़ा डल हो जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, आप जितना पसंद करेंगे मैं उतनी खूबसूरत, उतनी अच्छी वीडियो आपको डेली बना के भेजा करूँगी। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।